छात्रों, आज हम कक्षा 11वीं में राजनीति विज्ञान का जो न्यायपालिका वाला चैप्टर है उसका आज हम भाग दो के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने पढ़ा था न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार। आज हम पढ़ेंगे न्याय, ये एक नया शब्द आया है अभी, तो ये न्यायिक सक्रियता या जनहित याचिका, या हम इसको एक नाम और दे सकते हैं, सामाजिक व्यवहार याचिका। इसका एक नाम हो सकता है याचिका। इसका अर्थ यह है कि कभी कभी जो लोग न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं, वो मान लो कोई गरीब वर्ग है और नहीं जा पाते हैं कोर्ट कचहरी में, तो उनके लिए ये एक न्यायिक सक्रियता का उपयोग किया जाता है कि वो अपनी सामान्य हित की पूर्ति के लिए जो दैनिक जीवन में कुछ घटनाएं होती हैं, उनको वो छोटी मोटी घटनाएं हैं तो उनका तुरंत निराकरण करना, त्वरित निराकरण करना, ये कहलाता है न्यायिक सक्रियता। तो न्यायिक सक्रियता के कुछ विशेष पॉइंट भी हैं कि इससे क्या होता है कि जो आवेदन करता है उसको तुरंत क्या पड़ता है, न्याय मिलता है। तो इसका मतलब है कि हमें त्वरित निर्णय के लिए, पहला इसका एक सकारात्मक होगा, न्यायिक सक्रियता में जो लोग न्यायालय नहीं जा सकते हैं, तो कोई भी समाज सेवी संस्था, कोई दयावान व्यक्ति और कोई भी सामाजिक संगठन अपनी ओर से क्या कर सकते हैं, याचिका को दायर कर सकते हैं न्यायालय में, और उसका फल भी निर्णय तुरंत मिल जाता है। ये इसका एक सकारात्मक पक्ष का पहला पॉइंट है। और इससे क्या हो गया कि इससे जो न्यायपालिका और जो हमारी कार्यपालिका जो हमारी कार्यपालिका है वो ज्यादा उत्तरदायी हो गई, ज्यादा अपना कार्यभार अच्छे से करने लगी, पहले से ज्यादा उत्तरदायी हो गई। इसका एक पॉइंट ये भी हो सकता है
कि जो हमारी चुनाव प्रणाली है हमारी चुनाव प्रणाली भी बहुत निष्पक्ष हो गई और उसकी व्यवस्था अच्छी तरह से हो गई। और इस प्रकार जो है कि अपनी जो प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं, उम्मीदवारों को भी अपना उम्मीदवार को एक शपथ पत्र उम्मीदवारों को भी एक शपथ पत्र भरना पड़ता है ताकि वो अपनी सही सही जानकारी दे सकें। इस प्रकार जो न्यायिक सक्रियता है उसके कुछ मतलब लाभ भी हैं और कुछ उसके नकारात्मक पहलू भी हैं। नकारात्मक पहलू, ये जो न्यायपालिका है उसका एक अतिरिक्त काम बढ़ गया, बोझ हो गया। आप देख सकते हैं कि न्यायपालिका के अपने कार्यों के अलावा छोटी-छोटी समस्याओं का निदान करना पड़ा, जैसे उसमें पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है तो उसकी भी लोग याचिका दायर कर सकते हैं। तो इस प्रकार छोटी-मोटी समस्याएं जो कि नगर निगम को करना चाहिए, कार पालिका को करना चाहिए, वो सारी छोटी-छोटी समस्याओं को किसको हल करना पड़ा? न्याय पालिका को। तो न्यायपालिका का बोझ थोड़ा सा क्या हो गया? ज्यादा हो गया। और सरकार के जो तीनों अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनमें भी आपस में थोड़ा सा इनका धुंधलापन आ गया, विभेदीकरण नहीं रहा। सरकार के जो तीन अंग होते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, उनमें भी आपसी संतुलन बिगड़ जाता है। तीनों अंगों के कार्य अलग-अलग होते हैं, तो ये न्यायिक सक्रियता से क्या होता है कि तीनों अंगों की भी जो कुछ जवाबदारी होती है वो न्यायपालिका में चली जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि न्यायिक सक्रियता अच्छा भी है और कभी-कभी ये इसमें हमारे नकारात्मक पहलू में क्या होता है, न्यायपालिका के ऊपर ये अतिरिक्त बोझ आ जाता है। देखेंगे न्यायपालिका और अधिकार। हम पहले भी देख चुके हैं कि न्यायपालिका हम व्यक्तियों का रक्षा करने वाला दायित्व है और जैसे कि वो किसी भी समस्या पर, किसी भी अपराध अपराध के मामले में वो रिट रिट के जो 5 पॉइंट होते हैं, बंदी प्रत्यक्षकरण, परमादेश और भी हैं, तो इस प्रकार ये रिट जारी करके
उसके व्यक्ति को और इस प्रकार उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकता है। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय, किसी भी कानून को गैर संवैधानिक घोषित करके उसे लागू होने से क्या कर सकता है, रोक सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं, एक होता है न्यायिक पुनरावलोकन जो सर्वोच्च न्यायिक पुनरावलोकन, इसका मतलब है कि यदि जो भी समस्या है, जो भी याचिका है, उसमें वो संविधान में उसके बारे में लिखा है, संविधान से संबंधित है कि नहीं, तो वो उसको पुनः फिर से न्यायिक निरीक्षण के लिए क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो इस प्रकार ये सर्वोच्च न्यायपालिका के बहुत असीमित अधिकार हैं। अब हम देखते हैं न्यायपालिका और संसद। कभी कभी आपने देखा होगा संसद और न्यायपालिका के बीच में, क्योंकि संसद में जो विधायिका है वो नियमों को बनाती है, तो भी वो संविधान के नियमों का पालन करती है। तो हम देखते हैं कि कुछ बिंदु ऐसे थे, जैसे संपत्ति का मामला, मौलिक अधिकार में आपने देखा होगा कि 7 मौलिक अधिकार में से संपत्ति वाला मौलिक अधिकार हटा दिया गया है। तो निजी संपत्ति के अधिकार से संबंधित क्या दायरा है, और इस प्रकार संसद और न्यायपालिका के बीच में कभी मौलिक अधिकारों को सीमित, प्रतिबंधित और समाप्त करने की संसद की शक्ति का दायरा क्या है, ये समस्याओं पर कभी कभी विचार विमर्श होता है। और जो नीति निर्देशक तत्व हैं, उसके लिए भी क्या संसद कानून बना सकती है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान में नहीं है। तो इस प्रकार नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों को किस प्रकार प्रतिबंधित कर सकते हैं, इस पाठ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि सर्वोच्च न्यायालय के आप क्षेत्राधिकार बताइए और सर्वोच्च न्यायालय क्या संबंध है, आप इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। धन्यवाद।